सबरीन हेरिटेज विच डिज़ाइन वॉज इंस्पायर्ड बाय लेजेंडरी पेशवाज। तो जब आप इस घर में रहेंगे आपको एक फील आने वाली है कि आप एक रॉयल प्लेस में रह रहे हैं या आप एक लग्जरी होम में रह रहे हैं। सबरीन ग्रुप वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 2007 इन द फील्ड ऑफ रियल इस्टेट डेवलपमेंट। दे हैव डेवलप्ड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दे हैव डेवलप्ड अफोर्डेबल हाउसिंग। इस प्रोजेक्ट में जहाँ पर आपको लेके आया हूँ इसमें आपको 3 acres के लैंड पार्सल देखने को मिलेगा और इस प्रोजेक्ट में मिलेंगे आपको 3 towers जो बन रहे हैं, जहाँ पर आपको 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK के वेरिएंट में आपको मिल जाएंगे फ्लैट। मैं जयराम फिर से स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने इस चैनल अर्बन पिलर पर, आपके सपनों का घर आपके अपने शहर में। फिर से लेके आया हूं एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए। इस वीडियो में आप देखेंगे 3 BHK के सैंपल फ्लैट इस प्रोजेक्ट में। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। 2016 में मिला है बेस्ट डेवलपर इन स्लम एंड रीडेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन अवार्ड्स आप बोल सकते हैं, ये डेवलपर्स को मिला है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं IGBC ग्रीन रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ जो प्लैटिनम 2016 का अवार्ड है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं बेस्ट CSR प्रैक्टिसेस अवार्ड्स भी मिला हुआ है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स डेवलपर को मिला हुआ है। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर आएंगे आपको ये पैसेज एरिया दिख जाएगा, मेरे पीछे आप देख रहे हैं पैसेज एरिया काफ़ी बड़ा है। हर फ्लोर पर 4 flats मिलेंगे आपको और आपको मिलते हैं 4 lifts जिसमें 2 residential के लिए रहेगा, 1 आपका service lift रहेगा और 1 fire lift रहेगा जो इमरजेंसी में यूज़ होगा। इस प्रोजेक्ट में आपको बेसिक 30+ amenities देखने को मिल जाते हैं और बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट का ये भी देखने को मिला मुझे कि आपको रूफटॉप amenities मिलते हैं। रूफटॉप स्विमिंग पूल आपके लिए और आपके बच्चों के लिए मिलता है, रूफटॉप टेरेस गार्डन आपको मिलता है इस प्रोजेक्ट में, जिसका आप इन्जॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ या जो भी आपके घर में गेस्ट आएंगे उनके साथ। 5 Pakhadi इज़ वन ऑफ द प्राइम लोकेशन ऑफ थाने। अगर आप प्रोजेक्ट पे जाते हैं यहाँ से तो आपको सिर्फ 2 से 3 minutes के ड्राइविंग डिस्टेंस में इजीली पहुँच सकते हैं। अगर आप तीनाथ नाका जाते हैं यहाँ से तो आपको सिर्फ 3 minutes के ड्राइविंग डिस्टेंस में पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थाने स्टेशन जाते हैं तो आप वहाँ पर सिर्फ 6 से 7 minutes के ड्राइविंग डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप हमारे हर एक वीडियो में देखते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट में हम जाते हैं तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में ज़रूर बताते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में भी आपको बताएंगे जो आपको हेल्प करेगा सही डिसीजन लेने में कि आपको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। डिसएडवांटेजेस के पहले मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूँ इस प्रोजेक्ट का कि आपको यहाँ पर लो डेंसिटी देखने को मिल जाती है। 3 acres में फैला होने के कारण आपको यहाँ पर सिर्फ 3 towers ही मिलते हैं, तो जिससे आपको लो डेंसिटी मिलती है। हर एक फ्लोर पे सिर्फ 4 flats ही बने हुए हैं तो आपको ये एक एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा रोड टच प्रॉपर्टी आपको मिलती है, आपके जो भी बेसिक यूटिलिटी सर्विसेज वो आपको इजीली मिल जाएगा। मेरे पीछे आप देखेंगे ये जो कमर्शियल शॉप्स है आपके फर्स्ट फ्लोर पे है और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं रिटेल शॉप्स वो आपको आपके प्रोजेक्ट के नीचे ही है। तो एडवांटेज एक आपको बताना चाहूँगा कि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको शायद ना मिले, वो ये है कि आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक कार वॉशिंग मिलता है कार पार्किंग में। आपको EV पॉइंट्स भी वहाँ पर देखने को मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज़ करते हैं तो आप इजीली चार्ज कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। ये रोड के उस पार जो बिल्डिंग बने हुए हैं 6th floor और 7th floor के बने हुए जो जस्ट प्रोजेक्ट के सामने ही है, तो अगर आप 7th floor के ऊपर आप लेते हैं कोई भी घर तो आपको अनइंटरप्टेड ओपन व्यू आपको मिलता है। लेकिन अगर 7th floor से नीचे ले रहे हैं तो आपको शायद उतना अच्छा व्यू ना मिले। तो अभी हम लोग इस 3 BHK के सैम्पल फ्लैट के अंदर है, आप देखेंगे ये एक एक्चुअल फ्लैट है। अगर इस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया को आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली साइज है 337 square feet। इसके सामने आप देख सकते हैं जो टाइल्स लगे हुए हैं ये आपका सैंपल्स है जो आपको टाइल्स मिलते हैं आपके इस लिविंग डाइनिंग एरिया या अदर फ्लोर में, वो आपको इस तरह के फ्लोर टाइल्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको डाडो टाइल्स मिलता है आपके वॉशरूम में और आपके बाथरूम में जो टाइल्स मिलेगा वो भी इस तरह के सैंपल टाइल्स दिए गए हैं, जो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये सारे आपको टाइल्स मिलने वाले हैं, डाडो टाइल्स रहेंगे। आप सामने देखेंगे ये बालकनी और ये बालकनी आपका जो हाइट है इसका मैंने जैसे बताया 8 feet अप्रॉक्सीमेटली है और आप सामने देखेंगे
आपको एक मस्किटो नेट भी मिलता है आपके और आपके फैमिली की सेफ्टी के लिए। मस्किटो से आप बच सकते हैं इजीली। ये आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे आप इस फ्लैट में देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक एक्चुअल फ्लैट है, तो जितने भी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं इस फ्लैट में, ये सारी चीज़ें वैसे के वैसे ही आपको मिलने वाली है। You will find your kitchen next to living dining area. L-shaped kitchen with granite top platform with glazed customized tiles above platform up to door height. Best quality brand like Nirali sink in your kitchen and a balcony for better view and ventilation. यहाँ भी आपको एक स्टैंडिंग बालकनी विद मस्कीटो नेट फिटेड मिलता है फॉर यू एंड योर फैमिली सेफ्टी। यू गेट बालकनी इन योर ऑल बेडरूम व्हिच विल प्रोवाइड यू एन एम्पल सीनिक व्यूज। सो इंडीड यू विल हैव एन ऑसम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इनसाइड योर होम। इंडीड दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू रिलैक्स इन दिस होम। नेक्स्ट बेडरूम आपको कॉमन वॉशरूम दिख जाता है, फुली टाइल्ड अप टू डोर हाइट एंड एन एंटी स्किड टाइल्स इन बाथरूम्स। कंसील्ड प्लम्बिंग विद सुपीरियर क्वालिटी एंड सीपी फिटिंग्स एंड सैनिटरी वेयर। मॉड्यूलर स्विचेस, लेमिनेटेड फ्लश डोर्स यू गेट इन योर वॉशरूम। दिस इज योर फर्स्ट मास्टर बेडरूम विद अ बालकनी लाइक योर अदर बेडरूम। This bedroom will also have an airy and blowy throughout the day and night. आपको attached washroom मिल जाएगा इस bedroom के साथ with all required best quality sanitary wear, utility area which you can utilize the way you want to as per your requirement. इस master bedroom में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे ये वार्डरोब के लिए स्पेस है, या आप चाहे तो यहाँ पर भी आप अपना वार्डरोब रख सकते हैं और इस जगह का यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छी तरह से। इस फ्लैट का एक बेस्ट पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर यूटिलिटी एरिया अलग से मिलता है। Again, you will never have any problem with ample light and fresh air inside this home. You also will see an attached washroom, a decent washroom with all designer quality wall tiles and vitrified flooring. पिछले वीडियो की तरह ही आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आज के इस फ्लैट के टूर में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। आपके लिए इस तरह के और भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे आपके अपने इस चैनल अर्बन प्लर पर। मिलते फिर से एक और नए वीडियो के साथ आपके अपने इस चैनल अर्बन प्लर पर। आपके सपनों का घर आपके अपने शहर में। तब तक अपना ख्याल रखें।